इसके फैंस अगर सुन रहे हैं तो इसको गालियां देंगे वापस है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। व्लॉग क्या है, व्लॉग ये है कि टुडे इज गोइंग टू बी माय लास्ट डे ऑन खुशो पाकिस्तान। और आज फ्राइडे है और आज होपफुली मैं शो को बाय बाय करने वाला हूँ। बहुत दिनों से चीज़ें वाइंड अप कर रहा था, कुछ चीज़ें हैं वो स्लोली स्लोली वाइंड अप हो जाएंगी। अच्छा अभी सीन ये है कि अभी बस शावर लेता हूँ फिर निकलते हैं क्योंकि मुझे काम बहुत है। मुझे वन से होते हुए जाना है क्योंकि मैंने जो ड्रेस लिया था मुझे उसका बड़ा साइज़ लेना है। तो चलो यार जल्दी, टाइम बहुत थोड़ा आज। मैंने जल्दी जल्दी शावर ले लिया है, बस अब मैं निकल रहा हूँ। तो मुझे सेम ये वाला बाय करना है, गिफ्ट देना है। ये रख लेते हैं बैग में, निकले यार शूज़ पहनूँ। बैग मैंने जल्दी से कर लिया है पैक, बस अभी निकलो यार शूज़ पहन। लाइट बंद, भगाता भगाता पहुंचा हूँ लकी वन, क्योंकि ये वाली ब्रांच करीब है मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा था तारीख रोड पे भी ब्रांच है पर वो ऑपोजिट पड़ गई थी, लकी वन आ गया। आ चुके हैं लकी वन और भाग तो अंदर जा रहा हूँ, लेट बहुत हो गई, पहुँच चुके हैं। होपफुली वो मिल जाए जो लेने आया हूँ मैं। सो ये हमने बाय कर लिया है और होपफुली साइज सही है। थैंक यू, इसमें मेरा भी पड़ा है तो साइज कंफर्म करने के लिए लिया है, अच्छा हो गया। अब बस मैं निकलूँ और भागूँ, भागते भागते जाएंगे हम। भूख भी लगी है, इधर लोग खाना खा रहे हैं लेकिन लेट बहुत हो चुका हूँ। तो जल्दी के चक्कर में मेरा बैग फट गया और मैंने सोचा केक ले लें यार क्योंकि आखिरी दिन है। तो खाएंगे बाय बाय क्योंकि हमारी हो रही है बाय बाय। शो शुरू हो गया, सब काले काले कपड़े क्यों पहन लिए सबने? बस मेरा साया से ट्यूनिंग करनी थी, बिना वजह सबको आ रही है जरूरी हमसे ही ट्यूनिंग करनी थी। ओह दोनों को मेरा छोड़ा। हां हां, शो खत्म हो चुका है, केक लाओ भाई। केक लाया हूं मैं, केक काट के जाएंगे हम जाते जाते। जा रहा हूं मैं, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। केक कहां गया? केक मिस हो गया। खैर आमना मैं जा रहा हूं, बाय बाय। ख्याल अब तो राज खुल गया, फैसल भाई ने राज खोल दिया। आपके भाई की शादी को कामना। थैंक यू सो मच। ये दूर से दूर से दोबारा नहीं आएगा, शराफत से वापस आ जाना। ख्याल रख अपना फैसल भाई। केक चोरी हो गया भाई मेरा। फैसल भाई अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और इंशाल्लाह जिंदगी में जब भी आएगा मुलाकात, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फैसल भाई मैं इसके फैंस अगर सुन रहे हैं तो इसको गालियां देंगे वापस है। केक चोरी हो गया, केक काटना था, खैर कोई नहीं। चलो यार केक गुम, केक ही नहीं मिल रहा भाई। क्यों? केक ही गायब हो गया बोल के स्टूडियो से। अल्लाह हाफिज, सेम है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा, उसको उसको फ्रेम चाहिए, उसको फ्रेम चाहिए पूरा। रुक ना रुक, थोड़ी रुक, इसको उसको पूरा फ्रेम चाहिए। ये पकड़ तू, क्या अबे कोने में तू लगा रहा है यार? नबीन यार मैं बड़ा मिस करूंगा यार, बेस्ट विशेस दे रही है, बेस्ट विशेस दे रही है। चल ठीक है यार, मुझे नहीं 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 यार, ऐसे नहीं कर यार तू, यार तू ऐसे नहीं किया कर। मेरे से कैसे मिलोगे? ये लो जाओ मिल लो। ओके यार ओके। मैं भाई बंदा मैं मेरी आंख लग गई, मेरी आंख लग गई। क्या कर रहे थे तुम? जब तेरा केक चोरी हो गया भाई जान, आपका केक चोरी हो गया। सबसे ज्यादा मोटिवेट मैंने सच बोला है ऑन एयर, ये तो बात कही है कि ये मोटिवेट करता है यार। हम लोग मजाक करते हैं, सीरियस नहीं हुआ करो। हम लोग वैसे भी तफरी होती है, शो तक ही होता है। देखो कैसे खड़े चिल मस्तियां कर रहे हैं, देखो
देखो अल्लाह सबको बहुत कामयाब करे और सब जो जो क्या बात है यार जो बनना चाह रहे हैं उनके नसीब अच्छे हैं। तो मैं बैग उठा लूँ ना, मेरा बैग बैग तो ले लिया, बैग आ जाओ मेरे साथ, आओ बैग ले ले, इतने सीजन हमने बैठे हैं, बैग तो कट ले ले, आ जाओ के साथ चल ले नीचे। थंबनेल बन गया, दिया फैसल भाई ने बुके। कांग्रेचुलेशन, ये मुंह इसका है लेकिन पीछे हाथ फैसल भाई के हैं। नहीं नहीं मेरी बात सुन, अब ऐसा लग रहा है निकाह में आया हूँ। और कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन का काका हुआ है क्या मेरे घर? बड़ी बात है भाई, फैसल भाई ने ये दिया है मुझे और आई एम रियली हैप्पी। अल्लाह फैसल भाई को भी बहुत कामयाबियां दे भाई, हम सबके आइडियल हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सबको। फैसल भाई ने दिया है, ये पकड़ ले, ये इनको संभाल के रखना, फैसल भाई ने दिए। ध्यान से फूक मारो, हाँ ध्यान से। गायब क्यों हो रहे हो भाई? ओ भाई भाई फैसल भाई ने मुझे दिए यार। भाई जान किधर किधर, इधर पीछे हूँ, पीछे हूँ, इधर पीछे पीछे हूँ मैं। नहीं मैं संभाल लूंगा, नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं संभाल लूंगा। मेकअप रूम में आ गया, अभी बस निकलने लगा, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो सोच रहा हूँ कुछ खा पी के जाए, क्योंकि मैं सीधा उठ के इधर आ गया था और मैंने चाय ही पी थी जो शो पे, मैंने चाय पी, साथ मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, मैंने दवाई खा ली। तो अभी बस कुछ खा के फिर निकलते हैं, क्योंकि मुझे फिर जाके व्लॉग भी एडिट करना है और मुझे सामान पैक करना है, मुझे बस निकलना है घर के लिए। तो यार गौसिफ भाई मुझे ट्रीट दे रहे हैं जाते जाते। भाई इधर देख, ये हो रहा है टाइम 1:12 है। आखिरी दिन है तो हमने सोचा कि उनको हम ट्रीट दे दें आज। लेकिन यार देखो इन लोगों का प्यार है, नहीं तो कौन मुफ्ते के लिए रुकता है। अबे असद नहीं आया? असद भाई कल जो हरकत की है सही सूटा भाभी ने उसको, सच में सुनाई होगी, सुनी तो होगी उसने। अबे सुनी नहीं है, डंडे वंडे पड़े सेक रहा है अपने आप को बैठा है। या तो देख भाभी ने सुनाई होगी या भाभी की अम्मा ने सुनाई होगी। आई लव यू फजीला बोल रहा था तो सूदी ना उसको अच्छी वाली। इसके एक तो सारा फ्रेम चाहिए। जब इसने बोला है ना कि भाई मैं नहीं आऊंगा, यकीन मन मैंने अब्दुल्ला की तरफ यूं देखा, अब्दुल्ला भी यूं देख रहा था, मैं यकीन अब्दुल्ला वो इंडियन ड्रामा, मैं नहीं जाऊंगा, 3-2-1 मैं नहीं जाऊंगा, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, देख तड़ंग तड़ंग तड़ंग। और नाजरीन बुर्ज खलीफा हाजिर है, बुर्ज खलीफा यार को ये देखो कि हमें सर्व कौन कर रहा है, फराजुद्दीन गौसिफ भाई। ये खाना खा रहे हैं हम लोग, नबील अपने तरीके से बनाएगा। आज आखिरी बार शो से घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए और मैं आज जल्दी में दिन में ताला लगा के गया हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता मैं भागा हूँ भाई, सुबह बहुत लेट हो गया, खुला तो नहीं छोड़ के गया हुआ कहीं। इख्तिताम सफर, बैग भी रखे, शूज उतार दो पहले, लाइट चलेगी। अच्छा मैं वीडियो बनाने लगा तो एकदम से लाइट चलेगी। सीन क्या हुआ कि मैं आ गया, उसके बाद लेटा, थोड़ा सा इमोशनल भी हुआ, कॉल बैक्स हुए मुझे थ्रू आउट जितना मैंने टाइम स्पेंड किया है शो पे, वो सारा मेरी आंखों के सामने से वो सारा मंजर गुजर के गया, थोड़ा सा इमोशनल भी हुआ मैं। फिर मैंने एक लाइव स्ट्रीम की, वो आपको नबील शाह एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। काफ़ी मज़े की लाइव स्ट्रीम हुई, काफ़ी दोस्तों की कॉल्स भी आई ड्यूरिंग दैट, जो लोग देख पा रहे थे या जो एक्टिव थे उस टाइम पे। और बस यही पार्ट ऑफ लाइफ है, देखो एकदम से ही मैं कराची आ गया था, मतलब कराची आना तो बहुत सडन था, रात को 3 बजे मुझे
बोला गया था कि कल आ जाओ सुबह, तो रात को 3 बजे और सुबह तकरीबन 8 बजे मैं कराची था, 3 बजे से 8 बजे के बीच में। तो लाइफ बहुत सडन है, बहुत कुछ सडन होता है। आप लोगों की दुआ चाहिए कि आगे ज़िंदगी में बेहतरी हो। और मैंने अभी एडिट करते टाइम, वो मैं एडिट कर रहा हूँ बैठा, मेरा पूरा व्लॉग एडिट हो चुका है, बस ये लास्ट क्लिप बना रहा हूँ। तो एडिट करते टाइम मैंने देखा कि फैसल भाई ने बोला है कि इसको गालियाँ दो कि ये फैंस ताकि वापस आए। कुछ पता नहीं होता लाइफ में। मुझे, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लारेब आया, मेरा दोस्त लारेब, आप जानते हैं लारेब खालिद, उसने बहुत मोटिवेट किया है कि आई एम नॉट अ क्विटर। और मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, क्विट कर रहा होता ना तो मैं बताता हूँ, जो लास्ट हफ्ते जो चीज़ें हुई ना वो क्विट होता मेरा, अगर मैं उस टाइम छोड़ता। अभी मैं रिलैक्स होके, देखिए जो फैसला आप जल्दी में लेते हो ना या गुस्से में लेते हो वो गलत होता है, सोच समझ के लिया गया फैसला और तहम्मुल के। अभी कोई लड़ाई नहीं है ना, लड़ाई में तो नहीं ना छोड़ के जा रहा। हाँ लड़ाई हुई थी पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते छोड़ता तो क्विटर होता, इस हफ्ते मैं क्विटर नहीं हूँ। ठीक है, आमना भी थी, बहुत सारे दोस्तों ने कॉल पे बोला कि ब्रेक ले लो, जो भी है। खैर बस यही है, व्लॉग देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं सो जाऊँ, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ लिटरली, परसों शो से आया हूँ, कल भी शो से आया हूँ, अभी तक नहीं सोया हूँ। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं जब ये मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, और लाइट चली गई है, मुझे आज बहुत कुछ करना है। तो खैर इंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें और कनेक्टेड रहें, रिंग द बेल फॉर नोटिफिकेशन, ताकि आगे भी जो मेरे व्लॉग हों वो आप तक पहुंचते रहें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।